तो इतने दिनों से मेरे वीडियो में एक बंदा बहुत ही ज़्यादा मिसिंग था, जो एकदम शुरुआत से मेरे वीडियोस में आता था, वो बंदा है क्रिश। इससे मैं मिल रहा था, हालांकि मैं वीडियो में बता नहीं रहा था बिकॉज मैं उस टाइम पर वीडियो नहीं बना रहा था। तो बाकी की बातें बाद में करते हैं। पहले तो बाय द वे, हे एवरीवन, आई एम आदित्य शिर्के, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज व्लॉग्स। सो अभी रात के ऑलमोस्ट 10 बजे और मैं जिम आ गया हूँ। वर्कआउट खत्म करूंगा और फिर घर जाऊंगा, खाना हूँ। सो प्रोफेसर, व्हेन इज द नेक्स्ट मैच? इज इट ऑन द रॉयल मिंट ऑफ इंडिया? सून, डेफिनेटली इट विल बी ऑन द मिंट ऑफ इंडिया। सून वी आर कमिंग। अरे अर्थरितो का क्या करने का, बहुत परेशान करता है वो हाइस्ट में। दैट विल बी द सस्पेंस, विल बी इन क्लोज सून। जस्ट जोकिंग, ऑफकोर्स स्ली वाले जो है प्रोफेसर नहीं है, ये बस मेरे जिम में आते हैं। इनका नाम अभिषेक अंकल है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि उनको मैं वीडियो में ले लूँ। ऑफकोर्स मैंने भी इनको जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि ये भी वो प्रोफेसर है, पर ऑफकोर्स मुझे पता है कि प्रोफेसर इधर तो आएगा नहीं इधर तक। तो मैंने उनको बताया कि आप वो मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर जैसे दिखते, तो उन्होंने भी अग्री किया और उन्होंने बताया कि उनको बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि वो प्रोफेसर जैसे दिखते हैं। मे बी मेरे जैसा भी कोई दिखने वाला इन सब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा, तो कितनी अजीब बात है ना कि हमारे जैसे और भी दिखने वाले हैं पर इतने सारे लोग हैं, इसलिए हमको इजीली पता नहीं चलता कि कौन है हमारे जैसा दिखने वाला। पर जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उन लोगों को पता ऑब्वियसली चल जाता है आसानी से, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर प्रोफेसर मिल गए। तो वर्कआउट हो गया, आज मेरा कार्डियो था, पर पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा था, पर मुझे वर्कआउट करने का मन ही नहीं हो रहा था। लाइक मुझे बहुत बोर हो रहा था, मे बी बिकॉज मैं अपने ईयरफोन्स भूल गया। ईयरफोन्स लाने चाहिए थे मुझे, यहाँ के जो गाने वो मुझे उतने पसंद नहीं है। अपने हिसाब से गाने हो तो वर्कआउट करने में एनर्जी आती है, तो फिर अगली बार से ईयरफोन लाना भूलूंगा नहीं। अभी बज रहे रात के ऑलमोस्ट 10:30 और अभी हम लोग ऐसे ही छोटे से ग्राउंड पर गए थे। छोटा राउंड पर गए थे अभी हम लोग ऐसे ही चिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए। और ये देखो, ये भी पूरा टाइम बेल्ला रहता है। आ गया, मैं कॉलेज जाता हूँ, खाना खा के मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं ऑनलाइन करता हूँ। अबे तू क्या करता है, मेरे को मत सिखा। तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी, ऑनलाइन लेक्चर भाई लेक्चर होता है। ऑनलाइन में क्या होता है पता है? वो तो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, अभी क्या करे। 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं, एंड येस ऑफकोर्स ये जो अभी मैं क्लिप शूट कर रहा हूँ इसको मैंने 2 महीने बाद शूट किया है, यानी कि अभी मैं हूँ जनवरी 2022 में, और मैंने इसके पहले जो आपने क्लिप देखी वो शूट की थी 2021 सितंबर में, यानी कि दमन से आने के बाद। और ये मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था एक्चुअली। उसी टाइम पे मैं रुका हुआ था कि मनी हाइस्ट रिलीज़ हो जाए सीज़न 5, लास्ट जो सीज़न था, और हाइप क्रिएट हो जाए ताकि मैं ये टाइटल और थंबनेल रख पाऊँ। पर जैसे जैसे टाइम बीता, फिर क्रिसमस आया, मैं गाँव गया, वहाँ पर फिर 31st भी मनाया, और अभी मैं जनवरी में ये वीडियो बना रहा हूँ फाइनली, और आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ फाइनली। ये 2 महीने के गैप के लिए मैं खुद को ही ब्लेम करूँगा, खुद के ही। ऑफकोर्स वीडियो बनाना नहीं बनाना मेरी ही चॉइस थी, तो मैंने नहीं बनाया। इनफैक्ट मैंने क्लिप्स बनाए पर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मैंने ये जो सारा जो टाइम था जो मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं किए, अपलोड नहीं किए, पर मैंने शूट तो किए हैं। तो मेरे पास लाइक 5-6 व्लॉग्स ऐसे है जो पेंडिंग है, जो मुझे डालने हैं। तो अभी ये धीरे धीरे मैं डालूंगा, मैं ऐसे जल्दी जल्दी मैं नहीं डालने वाला। मेरे को खुद को मेरी फैमिली फोर्स कर रही है कि भाई तू डाल वीडियोस, क्योंकि मैंने जो क्लिप शूट किए गांव में वो एक ओकेशन के लिए किए थे, वो एक ओकेशन था, इसलिए मैंने वहां पर व्लॉग किया था। व्लॉग भी नहीं बोलूँगा मैं, मैंने फिल्म किया था सब कुछ, और ज़्यादा करके वो जो वीडियो होगा वो सारे सिनेमैटिक शॉट्स वाले ही होगा, जो इसके अगला वीडियो होगा। इस वीडियो के ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ इंट्रो के अलावा और थोड़ी बहुत बातें करूँगा मैं।
क्योंकि वो लाइक ऐसे मेरे को उधर व्लॉग नहीं करना था। मैं जब भी दमन गया था तब भी मैंने जो वीडियो बनाया था, व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको उन फोटो फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा। तो मेरा वॉल पर ये जो वॉल है वो बहुत खाली थी और उस पर ये फोटो फ्रेम्स लगाने का आइडिया ये था कि मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स जो मैंने कैप्चर किए हुए हैं उनको मैं फ्रेम करूँ जो फ्रेम करने लायक हो एक्चुअली। और जैसे कि मैंने ये गिटार के साथ किया, ये वॉल खाली थी तो गिटार के पीछे लाइट लगा के गिटार को ऐसे टंगा दिया मैंने। वैसे इस वॉल को भी मेरा भरने का प्लान था, लाइक मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ रहता हूँ, जब मैं ऐसे मूवीज़ वगैरह देख रहा होता हूँ तब मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ घर में ऐसे वॉल्स वगैरह जो खाली है उनको फिल करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐड करने के लिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अमेज़ोन से फ्रेम्स ऑर्डर कर लूँगा, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में जाकर जब पूछा फ्रेम्स के बारे में तो फ्रेम्स बहुत महंगे थे और मेरे को ब्लैक कलर के, प्लेन ब्लैक कलर के फ्रेम्स चाहिए थे, तो मुझे वो अमेज़ोन पे अच्छे से मिल गए और अच्छे प्राइस में मिल। तो मैंने वो फ्रेम्स ऑर्डर कर लिए और मैंने 3 ही ऐसे फ़ोटोज़ डाले हैं जो लाइक ऐसे मेमोरी थे। जैसे कि ये आप जो अब भी फ़ोटो देख रहे हो, ये मैं सलीम भैया को मिला था वो फ़ोटो एक है, फिर मैंने मस्टैंग के साथ एक फ़ोटो खींचा था वो एक फ़ोटो है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि मेरे को कार्स बहुत पसंद है। तो मैंने मस्टैंग का फ़ोटो डाला और मैंने एकदम सेंटर में जो है मेरे चैनल का मैंने लाइक ऐसे एडिट बनाया, जो मेरा डिस्प्ले पिक्चर है उसको मैंने लिया और उसके पीछे मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया एज व्लॉग्स करके, क्योंकि वो भी मेरे लाइफ का एक पार्ट है जो ऐसे लाइक मेमोरी है। अगर मैं कभी ऐसा व्लॉगिंग छोड़ देता हूँ, वैसे तो कभी होगा नहीं, पर एक रहेगा कि हाँ मैंने कभी ऐसे किया था व्लॉगिंग बचपन में और कॉलेज लाइफ में भी, अभी मैं कॉलेज लाइफ में हूँ। तो उसके बाद जो मुझे ऐसे लाइक खास कुछ फ़ोटोज़ मिले नहीं, पर जो एकदम अच्छे वाले फ़ोटोज़ थे उनको मैंने चुना और मैंने डाल दिया। टोटल मेरे पास 5 फ़ोटो फ्रेम्स थे और 5 फ़ोटो फ्रेम्स को मैंने भर दिया और उसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट देने के लिए मैंने पीछे जो है फेरी लाइट लगा दी है, कैसे भी वैसे तो मकड़ी की जाली जैसी दिख रही है पर ठीक है, वो रात में अच्छा दिखता है, उससे मेरा काम चल जाता है, इतना बस है मेरे लिए। कैमरा में मैं यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि इसमें 40 वीडियोज़ स्टोर्ड है और वो भी लाइक बड़े वीडियोस भी है, छोटे वीडियोस भी है, इतना मैंने स्टोरेज इसमें पहली बार भरा हुआ है इस कार्ड में, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही शूट कर लिया है इस जो 2 मंथ का मैंने गैप लिया वो। अब मैं ज़्यादा आप लोग को पकाना नहीं चाहूँगा इस वीडियो के लिए, इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा वो मेरे गाँव का वीडियो होगा, लाइक मैं गाँव जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं फंक्शन नहीं कहूँगा, ओकेजन कहूँगा, उसको अटेंड कर रहा हूँ। ओकेजन किस बारे में क्या है वो सब मैं आपको अगले ही वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया किसी भी रीज़न की वजह से तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए सायोनारा।